आज की वीडियो में हम एक एमसी स्टेन टाइप बीट बनाएंगे। एमसी स्टेन की तरह अलग वाइब का म्यूजिक बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो है म्यूजिक की अरेंजमेंट। साउंड तो सबके पास या एक्सटर्नल सोर्स से आपको मिल ही जाएगी, पर अरेंजमेंट आपको सीखनी पड़ेगी। अगर किसी को अपने गाने के लिए बीट चाहिए हो या मिक्सिंग मास्टरिंग करवानी हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करें। बेसिक म्यूजिक थ्योरी अगर आपको क्लियर हो चुकी है तो फिर आप किसी भी तरह का म्यूजिक बस कुछ मिनटों में ही बना सकते हैं। तो FL Studio मोबाइल से अब हम बीट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मेलोडी के लिए एक पियानो का साउंड लिया है। इसमें मैंने मेजर और माइनर के साथ कुछ नोट प्ले करके इसकी अरेंजमेंट करी है। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। इसके बाद मैंने इसमें एक बेस का यूज किया है। ज्यादातर लोग बीट बनाते वक्त केवल 808 के साथ कोई दूसरे बेस को यूज नहीं करते हैं। हमारी बेस साउंड लो और मिडिल फ्रीक्वेंसी के बीच की फ्रीक्वेंसी को भरता है, जिससे हमें म्यूजिक में एक भारीपन सा लगता है। इसके बाद हमने इसमें फ्लूट साउंड का यूज किया है, जो एक मंबल बीट बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद हमने इसमें स्ट्रिंग का यूज किया है, जो एक इमोशन वाइब क्रिएट करता है और पब्लिक को म्यूजिक से बांध के रखता है। FL Studio मोबाइल में जब भी आप MC Stain की तरह कोई बीट बनाने की सोचे तो अपने ड्रम साउंड को अरेंज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम दे, क्योंकि ड्रम साउंड से ही पता चलेगा कि आपका साउंड स्टेन के गानों की तरह वाइब दे रहा है या नहीं।